हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका माँ के हाथ का स्वाद इस चालू चौधरी में। और आज मैं आपके लिए एक इंस्टेंट रेसिपी लेकर आई हूँ जो है स्वीट कॉर्न से बनाई हुई। और इसको आप जब भी मन करे छोटी मोटी भूख को शांत करने के लिए इंस्टेंट बनाइए, बच्चों को भी खिलाइए। तो चलिए शुरू करते हैं स्वीट कॉर्न की ये क्रिस्पी कॉर्न रेसिपी बनाना, जिसके लिए मैंने लिए हैं कॉर्न। तो जी, भुट्टा हमें यहाँ पर वो लेना है जिसके दाने जो हैं सॉफ्ट हो। जैसे आजकल सीजनल आ रहे हैं ना, दूध निकलता है, वो वाला भुट्टा हमें यहाँ पर यूज़ करना है। हमें ड्राई वाला जो भुट्टा होता है जिसको स्टोर कर लेते हैं, वो वाला भुट्टा यूज़ नहीं करना है। ये देखिए, ये कितने सॉफ्टली टूट जाता है ना। तो ये भुट्टे के दाने मैंने यहाँ पर लिए हैं। आप मार्केट से दाने भी लेकर आ सकते हैं, और अगर आप भुट्टा लेकर आते हैं तो उसके दाने भी घर पर निकाल सकते हैं। अब हमें इसको सिर्फ पानी से साफ कर लेना है अच्छे से, बाकी और कुछ नहीं करना है, और एक बर्तन में ले लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर कॉर्नफ्लोर आपके पास नहीं है तो आप 2 चम्मच मैदा डाल सकते हैं, साथ ही 1/4 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच चाट मसाला, और 1/2 चम्मच यहाँ पर डाली है मैंने लाल मिर्च, जो तीखे वाली लाल मिर्च है वही मैंने यहाँ पर डाली है। अब हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और अगर आपको लगता है कि आटा आपका सूखा रह रहा है, पूरी तरह से कोटिंग इसके ऊपर नहीं आ रही है, तो यहाँ पर आप 1 चम्मच या 1/2 चम्मच पानी डाल सकते हैं। पहले आप 1/2 चम्मच पानी डालिए और अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर नहीं होता तो 1/2 चम्मच और डाल लीजिए, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो लास्ट में जब हम देखते हैं तो ये पूरी कोटिंग दानों के ऊपर हो जाती है, क्योंकि मैंने तो इसमें देखिए पानी नहीं डाला और एक एक दाने के ऊपर देखिए कोटिंग हो चुकी है, और आटा हमारा बिल्कुल भी नहीं बचा कॉर्नफ्लोर का। ये देखिए बॉटम में बिल्कुल भी आटा नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं मेन प्रोसेस की तरफ। तो ये कढ़ाई मैंने रख दी है। सबसे पहली बात कि आँच का यहाँ पर ध्यान रखना है, हमें मीडियम टू लो आँच रखनी है, तेज़ आँच हमें नहीं होने देनी है, नहीं तो जो कॉर्न के दाने हैं वो पटकने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक दाना डालकर देखा है, और 1 मिनट बाद ये दाना ऊपर तैरने लगता है। दाना इसके अंदर नहीं फूटा है, इट मींस जो हीट है वो बिल्कुल सही है। सबसे मेन पॉइंट इसका यही है कि आँच हमें यहाँ पर धीमी ही रखनी है, धीमी आँच में डालना है, और जब 2 मिनट ये धीमी आँच में पक जाए तब हमें आँच थोड़ी सी तेज़ करनी है, वो भी केवल मीडियम टू लो, ठीक है। उसके ऊपर हमें आँच नहीं जाने देनी है, और उसमें ये 3 मिनट तक और हमें पकाने हैं, यानी टोटल 5 मिनट इसमें लगेगी, 4 से 5 मिनट। 1 से 2 मिनट स्टार्टिंग में डालने के बाद, और जब ये ऊपर आने लगे, तिरने लगे, उसके बाद 3 मिनट और हमें इनको पकाना है धीमी धीमी आंच पर। तो टोटल 4 से 5 मिनट में ये दाने हमारे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ऊपर आ रहे हैं, है ना। अब हम इनको बीच बीच में झड़नी से चलाते रहेंगे जिससे ये अच्छे से फ्राई हो जाए। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि इनका कलर भी थोड़ा चेंज होने लगा है ना, हल्के से ही जो है ब्राउन कलर के होने लगेंगे। तो यहाँ पर फिर हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए दाने हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, और अब हम इनको कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे जिससे इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और ये देखिए आवाज़ है ना, कितने क्रिस्पी दाने हमारे बने हैं। अब हम इनको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बर्तन में, जिसमें मैंने टिश्यू पेपर पहले ही लगा दिया था जिससे एक्स्ट्रा ऑयल सोख लें। अब हम फिर से एक भारी तली का बर्तन लेंगे जिसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मक्खन, और इसमें हम डाल देंगे अदरक का पेस्ट या फिर कद्दूकस किया हुआ बारीक अदरक। तो मैंने यहाँ पर बारीक कद्दूकस किया हुआ अदरक लिया है। आप चाहें तो अगर आप गार्लिक वगैरह खाते हैं तो उसका पेस्ट भी आप 1/2 चम्मच यहाँ पर ऐड कर सकते हैं अपने स्वाद को बढ़ाने के लिए। साथ ही मैंने यहाँ पर डाल दी है लाल मिर्च, ये कलर वाली लाल मिर्च है, कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे हमारे कॉर्न के ऊपर कलर अच्छा आए। और यहाँ पर मैंने डाल दिया है 2 चम्मच टोमेटो केचप, ठीक है। टोमेटो सॉस मैंने इसमें डाल दिया है। आँच यहाँ पर मीडियम है, और इसको हम ऐसे ही चलाएँगे, लगभग 1 मिनट हमें ये पकाना है। और नमक इसमें थोड़ा सा हम स्वादानुसार ऐड कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि जो ये हमारा मसाला बनकर तैयार हुआ है, कॉर्न के ऊपर इसकी जो कोटिंग आएगी उसमें नमक हल्का सा कम रहेगा, तो इसलिए यहाँ पर आप हल्का सा नमक इसमें ऐड कर दीजिए। और ये देखिए होटल वाले बिल्कुल क्रिस्पी कॉर्न हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। चलिए अब हम इसको करते हैं सर्व, क्योंकि लगभग 1 से 2 मिनट हो चुकी है इसको भूनते भूनते। तो यहाँ पर अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ट्रांसफ़र करते हैं बर्तन में सर्व करने के लिए। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया, और साथ में रख देंगे नींबू। इसके ऊपर नींबू डालिए और खाइए इसको गर्मा गर्म।
और पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल पर विजिट भी जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।